Hello everyone, today we are going to start your new chapter. And your chapter name is Packing. So before you read, do you like going on trips? What kind of trips do you enjoy most? तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको पसंद है ट्रिप्स पे जाना और किस टाइप के ट्रिप्स में आप मोस्टली इंजॉय करते हो जाना. हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? जब भी आप पैकिंग स्टार्ट करते हो तो आपको कैसा फील होता है? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड और दैट यू कांट फाइंड देन ईजिली? ठीक है, तो आपने कभी सोचा है या डिस्कवर किया है, जब भी आप किसी ट्रिप पे जाते हो तो आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो, तो यहाँ पे पूछा गया है कि आप ये सारी चीज़ें करते हो. डज दिस मेक्स यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योरसेल्फ? तो ये आपको, जब आप कोई चीज़ भूल जाते हो तो आपको गुस्सा आता है या आप खुद की, जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि मिस्टेकन है या फॉरगेटेबल है, उस चीज़ पे आप लाफ करते हो. नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स पैक. तो ये चैप्टर है तीन फ्रेंड्स की एंड वो स्टार्ट करते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं कि पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं और कौन कौन से किस वे में पैक करते हैं कि वो लिसनर्स के लिए एंड रीडर्स के लिए बहुत फनी होता है. सो लेट्स स्टार्ट. आई सेड आई हैड पैक. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things there are. I impressed that the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris caught his legs on the table. So I said I had packed. यहाँ पे जो author है वो बोलते हैं कि मैं pack करूँगा और मुझे बहुत pride महसूस होता है जब भी मैं packing करता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से रखता हूँ, मुझे बहुत चीज़ें याद रहती है और ये चीज़ें क्या है, मैं खुद से ही इम्प्रेस्ड होता हूँ. एंड जॉर्ज एंड हैरिस हैं, उनको जब मैंने कहा कि पूरे जो पैकिंग है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, तो ऑफ कोर्स वो बहुत इजी में आ गए थे. ठीक है, एंड जो जॉर्ज थे वो जो बेड है दैट इज़ इजी चेयर थे उस पर आराम से लेट बैठ गया और हैरिस था वो अपने लेग्स को टेबल के ऊपर रख के बैठ गया. मतलब दोनों के दोनों बहुत ही लेजी थे और उन्होंने जो पूरी पैकिंग थी वो इंटायरली ऑथर के ऊपर छोड़ दी. सेकेंड पैरा, दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. वट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, oh, you here, let me do it. There you are, simple enough, really teaching them, as you might say, they're taking it in the way they did irritate me. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working. तो यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि ये मेरे बोलने का मतलब नहीं था. मेरे बोलने का मतलब था कि वो मेरे डायरेक्शंस में काम करें. ठीक है, इंटायरली ऑन मी बोलने का मतलब ये था कि मेरे डायरेक्शंस में जॉर्ज एंड हैरिस काम करें और मैं उन्हें समझाऊं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, इसको पैक ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, एक तरीके से टीच करना उन्हें. ठीक है, ताकि वो मेरे साथ हेल्प कर सकें. बट सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग काम क्या होता है, दूसरे लोगों को देखना, खुद काम करना और दूसरे लोगों को देखना कि वो कुछ भी नहीं कर रहे. आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about. Now I'm not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintendent and walk around with my hands in my pockets and tell them what to do. It is my energetic nature. I can't help it. तो यहाँ पे author बोलते हैं कि एक बार मैं एक ऐसे ही आदमी से मिला था जो पूरे दिन बस sofa पे लेटा रहता था और मुझे काम करते हुए देखता था. ठीक है, and he said it did him real good. वो कहता भी था कि बहुत सही लगता है मुझे तुम्हें काम करते हुए देखना. लेकिन जो author है उसे बिल्कुल पसंद नहीं है. वो बोलता है कि मैं किसी दूसरे इंसान को स्लेविंग एंड वर्किंग करते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ, मेरे को डायरेक्शंस देना, अपने पॉकेट्स में हैंड्स डाल के
एक तरीके से पूरे रूम में घूमना, ठीक है, और बताना कि क्या करना है, ये मेरा नेचर है, एनर्जेटिक नेचर है, और इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं चुपचाप या स्टिल बैठ नहीं सकता। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस। And I looked around and found I had forgotten them. That just like Harris, he couldn't have said a word until I have got the bag shut and strapped. Of course, and George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. They do make me so wild. तो यहाँ पे जो author है वो बोलते हैं कि of course बहुत difficult काम था, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा समय लगा मुझे packing करने में, लेकिन at last मैंने finish किया और मैंने उसमें strap मतलब chain लगा दी, ठीक है। लेकिन तभी हैरिस ने बोला कि तुम बूट्स पैक नहीं करोगे, और फिर मैंने इधर उधर देखा और मुझे जब बूट्स दिखे तो मुझे फाउंड हुआ कि मैं भूल चुका हूँ उसको पैक करना। और फिर उसी बीच में जो जॉर्ज है वो हंसता है और उसकी जो इरिटेशन वाली लाफ है वो मुझे बहुत, उसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक जो हैरिस था वो पहले भी बोल सकता था कि तुमने बूट्स पैक नहीं किए हैं, उसने इतना वेट क्यों किया कि मैं चेन लगाऊं, और उसके बाद पूरा पैक होने के बाद हैरिस ऐसे इस तरीके से बोल रहा है कि उसने बूट्स नहीं रखे हैं। I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. और जैसे ही मैंने सब पैक कर लिया, बूट्स रख दिए और मैं चेन लगाने ही वाला था, तभी मेरे दिमाग में एक हॉरिबल आइडिया आया कि मैंने अपना टूथब्रश रख दिया है, क्योंकि वो हमेशा से अपना टूथब्रश भूल जाता है। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी। आई ड्रीम दैट आई हैवन पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड perspiration and get out of bed and hunt for it, and in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जब भी मैं टूथब्रश पैकिंग करना मेरे लिए एक हॉरिबल जो मुझे डराता है, ठीक है, क्योंकि क्या है, एक तरीके से मैं जब सोता हूँ पैक करने के बाद, मैं जब सोता हूँ तो मुझे दिमाग में रहता है कि मुझे टूथब्रश को पैक करना है, ठीक है, और उसी टाइम मैं बेड से उठता हूँ मॉर्निंग के टाइम में, फटाफट से टूथब्रश करने के बाद वही टूथब्रश को पैक करने की कोशिश करता हूँ, और कभी कभी भूल जाता हूँ, ठीक है, और फिर अनपैक करता हूँ, जहाँ पे भी पहुँचता हूँ अनपैक करूँगा और फिर यूज़ करूँगा उसे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अपस्टेयर्स भागना पड़ता है, ठीक है, और वहाँ पे एकदम जल्दबाजी में मुझे वो टूथब्रश लेके अपने हैंकरचीफ में फोल्ड करके अपने पॉकेट में ले जाना पड़ता है, इतना प्रॉब्लम हो जाती है। ऑफ़ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, एंड ऑफ़ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। आई रिमेज द थिंग्स अप इनटू द मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, एंड वेन क्योर्स resigned. Of course, I found George and Harris 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked once more. ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि ऑफ कोर्स मैंने फिर धीरे धीरे, क्योंकि टूथब्रश बहुत छोटा होता है, तो धीरे धीरे मैंने करके पूरी सारी चीज़ें बाहर निकाली और पूरे चारों तरफ क्या है, पूरी तरीके से मेरा जो सामान था वो दोबारा से फैल गया। ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने जॉर्ज और हैरिस के जो टूथब्रश थे वो 18 बार मुझे मिल गए थे, मतलब बार बार जब भी मैं चेक कर रहा था तो उनके टूथब्रश मुझे मिल रहे थे, लेकिन मेरे खुद के टूथब्रश नहीं मिले। लेकिन क्या है, Then I found it inside a boot. लेकिन मुझे कहाँ मिला मेरा टूथब्रश, एक बूट के अंदर था, और मैंने दोबारा से सारी चीज़ें फाइंड आउट करी। When I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. And I slammed the bag shut and strapped it and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. It got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time, and though
and thought that he and George had better do the rest and I agreed and sat down and they had a go. ठीक है, और किसी तरीके से मैंने फिनिश किया, तभी जॉर्ज ने बोला कि क्या तुमने सोप पैक कर दिया है. लेकिन यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने अब सोप ओपन पैक किया है या नहीं किया है. ठीक है, लेकिन और फटाफट से चेन लगा देता है. लेकिन अचानक उसे याद आ जाता है कि उसके जो स्पेक्टिकल्स हैं वो उसने बैग में ही छोड़ दिए हैं. तो वो दोबारा से ओपन करता है और दोबारा से एक तरीके से बोलते हैं फाइनली रीओपन करने के बाद, स्पेक्टिकल लेने के बाद वो उसको शट करता है. दैट इज़ 10:05 PM में. ठीक है, फिर बचता है हैम्पर्स, मतलब खाने पीने की चीज़ें. एक बास्केट होता है जिसमें सारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं. तो हैरिस एंड जॉर्ज डिसाइड करते हैं कि वो दोनों हैम्पर को पैक करेंगे. और यहाँ पे ऑथर को भी लगता है कि अब, क्योंकि वो बहुत थक चुका था पैकिंग करते करते, तो वो बोलता है कि ऑफकोर्स अब ये जो काम है, एक्टिविटी है, ये तुम्हारी है हैम्पर पैकिंग करने की. 8th paragraph, they begin in a light-hearted spirit, even evidently intending to show me how to do it. I made no comment, I only waited, with the exception of George Harris is the worst packer in this world, and I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. and felt that the thing would soon become exciting. ऑफकोर्स वो बहुत लाइट हर्टेड स्पिरिट, बहुत आराम आराम से पैक कर रहे थे, शायद मुझे दिखाने के लिए कि हम भी बहुत अच्छे पैकर्स हैं. लेकिन जो ऑथर है उसने कोई कमेंट नहीं किया, वो बस शांति से देखता रहा. और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी और ऑथर को पता है कि जॉर्ज एंड हैरिस दुनिया के वर्स्ट पैकर्स हैं. और जब उसने देखा कि वहाँ पे प्लेट्स हैं, कप्स हैं, कैटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइज, स्टोव, टमेटोज एक्सेट्रा, तो उसको समझ में आ गया कि अब बहुत एक्साइटिंग कोई काम होने वाला है. इट डिड, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड. उन्होंने सबसे पहले कप जो था वो तोड़ना शुरू किया, जो कि पहली चीज़ थी. दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. तो वो ऐसा करते हैं, वो पहली चीज़ थी जो उन्होंने करी. और वो हमेशा ऐसे ही करते हैं कुछ ना कुछ ताकि इंटरेस्टिंग हो सके. देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरीज जैम ऑन टॉप ऑफ अ टमाटो एंड स्क्वैश्ड इट एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटोज विद टेबल स्टोन. तो जो हैरिस था उसने स्ट्रॉबेरी को टमाटोज के ऊपर रख दिया, जिसकी वजह से टमाटोज क्या हो गया, पूरा स्क्वैश्ड हो गया, स्क्वीज हो गया. ठीक है, जिसकी वजह से टमाटोज के टमाटोज को एक तरीके से टेबल स्पून से उन्हें बास्केट से निकालना पड़ा. इन 9th पैराग्राफ, एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉट ऑन द बटर. आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉश देम. It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them. And they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. ठीक है, अब जो जॉर्ज थे उसने क्या किया, दैट इज उसने एक तरीके से जो बटर था उसके ऊपर पैर रख दिया. और ऑथर को ये सब चीज़ें देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, तो वो टेबल के एकदम कॉर्नर में बैठ गए और सारी चीज़ें देखने लग गए. इट इरिटेटेड देम, उन्हें कहीं ना कहीं इरिटेट लगता था ये सारी चीज़ें या काम करने में. वो नर्वस भी थे और एक्साइटेड भी थे, वो चीज़ों के ऊपर पैर रख रहे थे, किसी वो चीज़ों को भूल रहे थे. इवन कि उन्होंने क्या किया, पाइज के ऊपर हैवी हैवी चीज़ें रख दी, जिसकी वजह से पाई पूरा स्मैश्ड हो गया. In 10th paragraph, they upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with one and two pence worth of butter in my whole life than they did. After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harris sat on it, and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. ठीक है, वो हर जगह सॉल्ट को फैला रहे थे, हर जगह सॉल्ट गिर रहा था. ठीक है, और जो ऑथर है उसने बटर का इतना अच्छा यूज़, इतना कम रुपए का जो बटर होता है, 2 पेंस का बटर जो था, उसका इतना अच्छे तरीके से उन्होंने यूज़ किया, उसने अपने होल लाइफ में नहीं देखा. जॉर्ज ने पहले तो उसके ऊपर पैर रखा, उसने अपने पैर से जैसे ही बटर निकाला उसने उसको कैटल में डालने की कोशिश करी, लेकिन कैटल से ना वो बाहर निकला ना अंदर गया. किसी तरीके से उन्होंने बटर को बाहर निकाल के उन्होंने कहाँ पे रख दिया, दैट इज़
वुडन कम आउट, दे डिड स्क्रेप इट और उसको चेयर पे रख दिया, ठीक है। जब हैरिस उस चेयर पे बैठा तो उस पे क्या है, वो बटर स्टक हो गया एंड वो हर जगह उस बटर को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो बटर कहाँ था, हैरिस के बैक में स्टक हो रखा था। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, ठीक है। अब जॉर्ज अपनी सफाई देते हुए बोल रहा है कि मैं ओथ लेने के लिए तैयार हूँ, मैं ओथ लेता हूँ कि मैंने जो बटर था वो इसी चेयर में रखा था। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो, सेड हैरिस। और हैरिस क्या बोलते हैं, ऑफकोर्स मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि तुमने कुछ मिनट पहले बटर को सीट पे रखा था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगैन लुकिंग फॉर इट एंड दे Then they met again in the center and stared at one another. वो पूरे रूम में उन्होंने ढूंढ लिया लेकिन उन्हें बटर नहीं मिला, और फिर वो एक दूसरे के मुँह में सेंटर में आके, रूम के सेंटर में आके एक दूसरे के मुँह में देखने लगे। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज क्या बोलता है कि ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है जो मेरी मैंने सुनी है या देखी है। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। और हैरिस क्या बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ है कि वो बटर गया कहाँ। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, और जॉर्ज उसके हैरिस के पीछे जाता है और तब उसे बटर वो दिखाई देता है। वाई हेयर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम indigently, where, cried Harris, spinning round, stand still, can't you, roared George, flying after him, and they got it off and packed it in the teapot. और Harris क्या बोलता है घूमते घूमते कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ठीक है। And Harris क्या George बोलता है कि शांति से एक जगह पर खड़े रहो, और उसको वो निकाल देता है और किसी तरीके से teapot में वो pack कर देता है। On 12th para, Montmorency was in it all. Of course, Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at if he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feel his day has not been wasted. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour in his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. तो यहाँ पे बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं कि दैट, तो यहाँ पे जो मॉन्टमोरेंसी है वो उनके कैट सॉरी डॉग का नाम है, ठीक है। तो वो ऐसा है कि वो किसी के भी जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे भी वो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा क्या है, न्यूसेंस है और लोगों को एक तरीके से पागल बना देता है। एंड थिंग्स थ्रोन टू एट हिज हेड, उसकी वजह से लोगों जो जॉर्ज है, हैरिस है, ऑथर है, उसके ऊपर उसको मारना पड़ता है, और ऐसा लगता है देन ही फील्स कि उसका डे अब वेस्ट नहीं गया है। वो दूसरों को क्या है, अपने ऊपर गिराता है। एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आर, और हम लोगों को उसको कर्स करना पड़ता है। इज हिज हाइएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट एंड वेन ही हैज सक्सीडेड इन अकॉम्प्लिंग दिस, उसको कोई भी सबसे मेन हाईएस्ट एम रहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को उसको अपने मुंह से पकड़ना होता है, और उसकी वजह से वो खुद को क्या है, बहुत ही प्राइड महसूस करता है। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीव दैट व्हेनेवर हैरिस और जॉर्ज रीच आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम एंड ही वरेड द टी स्पून एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स एंड गॉट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड थ्री ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। 13th में बताया गया है, 13th पैरा में, कि वो क्या है, चीज़ों के ऊपर बैठ जाता है जब वो चीज़ चाहिए होती है। यहाँ पे डॉग की बात हो रही है, ठीक है। वो उसका फिक्स्ड बिलीव ये रहता है कि जब भी जॉर्ज और हैरिस कुछ चीज़ अपने हाथों से ढूंढ रहे होते हैं तो वो अपनी नोज़ लेके आ जाता है, ठीक है। वो अपने पैरों को जैम के अंदर डाल देता है, और उसके जो लेमन्स रहते हैं उसको ऐसा लगता है कि वो छोटे छोटे क्या हैं, रैट्स हैं, और उनको क्या है, मारने की कोशिश करता है। और तभी उसी टाइम जो जॉर्ज और हैरिस है, या हैरिस है, वो फ्राइंग पैन लेके उसके सर पे मारते हैं। हैरिस सेड आई इनकरेज हिम, आई डिडन इनकरेज हिम, अ डॉग लाइक दैट डजन वॉन्ट एनी इनकरेजमेंट, इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। तो हैरिस हमेशा बोलता है कि मैं उसको इनकरेज करता हूँ, लेकिन डॉग ऐसे डॉग को इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि उनके नेचर में ही ऐसा
होता है. द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड सर ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन. जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम. ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड. वी व ऑल रेडी फॉर बेड. हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स. तो पैकिंग डन हो गई थी 12:50 तक. हैरिस हैम्पर के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है कि अब कोई चीज़ ना टूटे. जॉर्ज कहता है इफ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट इज़ ब्रोकन. ठीक है. एंड रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट है. और सारे के सारे क्या है, अपस्टेयर चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि आज हैरिस उनके घर आया था सोने के लिए. वी टॉस्ड फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी. ही सेड डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे. ठीक है. तो यहाँ पे जो बेड्स हैं उसके ऊपर टॉस किया जाता है कि कौन किसके साथ सोएगा. तो हैरिस को ऑथर के साथ सोना पड़ता है और हैरिस बोलता है कि तुम इनसाइड या आउटसाइड सोओगे. जे जे फॉर जेरमी. ठीक है. यहाँ पे जो भी आई वर्ड यूज़ किया गया है, जो ऑथर के लिए ऑथर बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो सारी कहानी सुना रहा है. तो जे मतलब क्या है, जेरमी. ठीक है. आई सेड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड. ऑफकोर्स मुझे इनसाइड मतलब अंदर की साइड सोना पसंद है. हैरिस सेड इट वॉज ऑड. जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज. हैरिस सेड 7. आई सेड नो 6 बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स. हैरिस एंड आई हैड अ बेट ऑफ अ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30 वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड. ठीक है. और तभी जॉर्ज पूछता है कि तुम्हें किस टाइम पे उठाना है. तो हैरिस बोलता है 7 और ऑथर बोलता है दैट इज़ जेरमी 6. लेकिन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होती है और वो दोनों क्या है, कंफर्ट हो जाते हैं कि हम ना तुम्हारा ना मेरा, हम 6:30 पे उठेंगे. जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम. सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इन टू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बट बेट आर सेल्फ. लेकिन जॉर्ज है वो कोई आंसर नहीं देता और हमें पता लगता है कि वो क्या है, सोने के लिए चला गया है. एंड हम दोनों भी क्या है, सोने के लिए चले जाते हैं. एंड वेंट टू बेड आर सेल्फ, हम खुद भी सोने के लिए चले जाते हैं. सो दिस इज़ अ स्टोरी रिटन बाई जेरमी के जेरमी. ठीक है. तो यहाँ पे जितना भी मैंने ऑथर बोला है वो है जेरमी. ठीक है, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन फ्रीली आस्क मी. सो इफ वी मूव टूवर्ड्स your poem, that is The Duck and the Kangaroo, which is written by, okay, there is no author here, it is written by Edward Lear. ठीक है. दिस इज़ अ ह्यूमरस पोएम ऑफ अ काइंड नोन एज नॉनसेंस वर्स बाय एडवर्ड लियर. मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता है उसको नॉनसेंस वर्स बोलते हैं और लिखा है एडवर्ड लियर. सो लेट्स स्टार्ट. स्टैंजा. सेड द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू एज इफ यू वर नेवर वुड स्टॉप. माई लाइफ इज अ बो in this nasty pound and I long to go out in the world beyond. I wish I could hope like you, said the duck to the kangaroo. तो यहाँ पे जो duck है वो kangaroo से बोलता है good gracious how you hope. ठीक है, कि तुम कैसे hop कर लेते हो, jump कैसे कर लेते हो over the fields and the water too. चाहे fields में हो चाहे water में हो तुम jump कैसे करते हो. as if you would never would stop. ऐसे jump करते हो जैसे कभी भी तुम कहीं पे भी नहीं रुकोगे. my life is a bore in this nasty pond. ठीक है. तो यहाँ पे जो duck है वो बोल रहा है कि मैं अपनी life से परेशान हो चुका, bore हो चुका हूँ इस छोटे से pond में रह के. and I long to go out in the world beyond. क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं world घूमूँ. I wish I could hop like you. मैं विश करता हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसा हॉप कर सकूँ. सेट द डक टू द कैंगरू. ये सारी चीज़ें कौन बोल रहे हैं, डक टू द कैंगरू. इन सेकेंड स्टैंजा. प्लीज़ गिव मी अ राइट ऑन योर बैक, सेट द डक टू द कैंगरू. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू एंड वी एड गो टू द डी एंड द जेली ओ बी
Over the land and over the sea, please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे अपने बैक पे राइड कर, एक तरीके से अपने बैक पे जगह दे दो ताकि मैं भी क्या है घूम सकूँ. मैं चुपचाप वहाँ पे बैठा रहूँगा और सिर्फ क्या कहूँगा, क्वैक. ठीक है, पूरे दिन भर मैं सिर्फ यही वर्ड्स बोलूँगा और कुछ भी नहीं बोलूँगा. हम बहुत दूर जाएंगे, बहुत जगह है देखेंगे, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी. ठीक है, प्लीज़ टेक मी राइड, ओ डू, प्लीज़ कि मुझे भी राइड पे अपने साथ ले चलो. ये सारी बातें डक कैंगरू से बोल रहा है. नाउ द इन थर्ड स्टैंजा सेट द कैंगरू टू द डक, दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, एंड देयर सीम्स बट नो ऑब्जेक्शन विच इज़ इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेट्स, सेट द कैंगरू. तो यहाँ पे जो कैंगरू हैं वो बोलते हैं डक से कि क्या है, मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए. ठीक है, क्योंकि तुम इतना बोल्ड होके मेरे साथ बोल रही हो तो मेरे पास और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है कि क्या है, एक तुम्हारे जो पैर हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेट रहते हैं और ठंडे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि मुझे भी अजीब लगेगा. दैट इज़ ये सारी चीज़ें कैंगरू बोलता है डक से. इन फोर्थ स्टैंजा सेट द डक, एज आई सैट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स विच फिट माई वेब फीट नीटली एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक All to follow my own dear true love of a kangaroo. तो यहाँ पे डक क्या बोलता है कि मैंने ये सारी चीज़ें बहुत देर तक सोची हैं. ठीक है, और मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आए हैं, क्योंकि जो मेरे पैर हैं वो तुम्हें गीले लगते हैं, तो इसके लिए क्या है, मैं अपने साथ सॉक्स लेके चलूँगा. और मेरे पैर क्या है, ठंडे होते हैं, उसके लिए मैं क्लॉक, मतलब एक तरीके का कपड़ा होता है वो, ठीक है, ओढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है, वो पहनूंगा ताकि मुझे गर्माहट मिले. और साथ ही साथ अपने लिए सिगार भी लेके चलूंगा ताकि मैं टाइम टू टाइम क्या है स्मोक कर सकूं. ऑल टू फॉलो माय ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कैंगरू, ताकि मैं तुम्हारे बैक में राइड कर सकूं. सेट द कैंगरू आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round, and who so happily, oh who, as the duck and the kangaroo. तो यहाँ पे kangaroo क्या बोलता है, okay मैं ready हूँ. ठीक है, ऑल इन द मूनलाइट पेल, ये सारी चीज़ें क्या है, एक शाम के समय में हो रही हैं, एंड मैं, मुझे बैलेंस करने के लिए तुम क्या है एकदम शांति से एक ही जगह पे बैठे रहना, चुपचाप बैठे रहना मेरे टेल के एंड में. सो मुझे हॉप करने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मेरा बैलेंस बना रहेगा. और ऐसे ही वो पूरे वर्ल्ड को 3 times घूमते हुए आते हैं और दोनों के दोनों बहुत हैप्पी रहते हैं. कौन हैप्पी रहते हैं, ऑफ़ कोर्स एज द डक एंड द कैंगरू. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर एंड द पोएम यू कैन फ्रीली आस्क मी. थैंक यू एवरीवन.